अभी की कोर्ट में होगी आखिरी सुनवाई और अभी को बचाने के लिए प्रज्ञा पर आएगा बड़ा खतरा और प्रज्ञा बचाएगी अभी को। लेकिन रिया रणबीर प्राची को अलग करने के लिए प्राची सिद्धार्थ के बीच में कुछ चल रहा है, इसकी पैदा करेगी गलतफहमी, जिस वजह से प्राची देगी रिया को मुंह तोड़ जवाब और मार देगी रिया को शोर से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में गौरव थापर प्रज्ञा और अभी से और ज्यादा बदला लेने के लिए प्रज्ञा से सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम कर लेने के बाद प्रज्ञा को धोखा देने की वजह ऐसे प्रज्ञा का दिल और ज्यादा दुखाने के लिए जब प्रज्ञा गौरव थापर से सबूत मांगेगी तब गौरव थापर अभी को बचाने के लिए सबूत देने से इनकार कर देगा और कहेगा कि मैंने वादे के मुताबिक तुम्हें सबूत दे दिया था लेकिन वो तुम्हारे से डिलीट हो गया तो ये तुम जानो। जिसे सुनकर प्रज्ञा गौरव के सामने विनती करेगी लेकिन गौरव प्रज्ञा को सबूत नहीं देगा, जिस वजह से प्रज्ञा गुस्से से गौरव को कह देगी कि ठीक है मत दो सबूत, मैं मेरे पति को खुद ही बेगुनाह साबित कर दूंगी, जिस वजह से प्रज्ञा पर बड़ा खतरा आएगा। जब प्रज्ञा अभी को बेगुनाह साबित करने के लिए जहाँ पर इनोवेशन के बाजू में कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग गिरी थी वहाँ पर प्रज्ञा जाएगी और प्रज्ञा को वहाँ पर ऐसे ठोस सबूत मिलेंगे जिससे प्रज्ञा अभी को बेगुनाह साबित करने में इस्तेमाल करेगी। लेकिन एक तरफ जब अभी की कोर्ट में सुनवाई चल रही होगी तभी तनुवालिया कोर्ट में गौरव थापर को कहेगी कि तुम तो कह रहे थे कि तुम प्रज्ञा से प्रॉपर्टीज अपने नाम पर कर लेने के बाद अभी को बचा लोगे तो बचाओ ना। तब गौरव कहेगा कि रुको जरा, अदालत ने अभी को फांसी की सजा नहीं सुनाई है और ना ही सुनाएगी और मैं अभी को जस्ट अभी बचा लूंगा। लेकिन गौरव थापर नहीं बचाएगा और जज साहब जब अभी को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले होंगे उसी वक्त वहाँ पर प्रज्ञा सबूत लेकर आ जाएगी और जज साहब को गुस्से से चिल्लाकर कहेगी कि रुकिए जज साहब, मेरे पति बेगुनाह है, आप उन्हें सजा नहीं दे सकते, और कहेगी कि मेरे पास मेरे पति के बेगुनाही का सबूत है। जिसे सुनकर जज साहब कहेंगे कि जो भी आपको कहना है वो प्लीज आप कनकरे में आकर कहिए। तब प्रज्ञा अभी को बचाने के लिए जज साहब को सबूत दिखाएगी जिसे देखकर जज साहब अपना फैसला बदलते हुए ये फैसला सुनना देगी कि जो भी अभिषेक प्रेम मेहरा पर इल्जाम लगे थे वो सारे गलत और बेबुनियाद थे, जिस वजह से यह अदालत अभिषेक प्रेम मेहरा को बाइज्जत बरी करने का फैसला लेती है, जिसके बाद अभी सिर्फ प्रज्ञा की वजह से बेगुनाह साबित हो जाएगा और अदालत में सबके सामने प्रज्ञा को जोर से गले लगा लेगा और गौरव थापर के होश उड़ जाएंगे। और अभी को बचा लेने के बाद प्रज्ञा गौरव थापर के सामने जाकर सबसे बड़े राज का खुलासा करते हुए कहेगी कि जो भी मैंने पेपर्स में साइन किए थे वो मेरे असली सिग्नेचर नहीं थे बल्कि वो मेरे डुप्लीकेट सिग्नेचर के भी डुप्लीकेट सिग्नेचर थे। जिसे सुनकर गौरव के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और तनु आलिया पूरी तरह से हिल जाएंगे और प्रज्ञा अभी के सामने तनु आलिया और गौरव को कहेगी कि ये तीनों मिले हुए थे जिन्होंने मेरी प्रॉपर्टीज को हासिल करने के लिए आपको फंसाया। ये सुनकर अभी को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा जिस वजह से अभी गुस्से में मार देगा अपनी ही बहन आलिया को शोर से तमाचा और लेगा गौरव से बदला। लेकिन बड़ा शौक लगेगा जब रिया प्राची रणबीर को अलग करने के लिए प्राची रणबीर के पास आएगी तभी वहाँ पर सिद्धार्थ प्राची के लिए शीरा लेकर आएगा जिस वजह से रणबीर सिद्धार्थ को कहेगा कि तू हम दोनों के बीच में हमेशा ऐसा कैसे आ जाता है। तभी इसी का फायदा उठाकर रिया कहेगी कि रणबीर तुमने सही कहा, सिद्धार्थ ने आज तक मेरे लिए एक कप चाय नहीं बनाई और उसने प्राची के लिए शीरा बना दिया, नॉट बैड सिद्धार्थ। ये सुनकर प्राची को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्राची कहेगी कि तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारी अभी भी 2 साल पहले शक करने वाली आदत नहीं गई। ये सुनकर रिया कुछ बोल नहीं पाएगी और लेकिन प्रज्ञा कोर्ट में अभी को बचा लेगी या नहीं और अभी अपनी बहन आलिया को जोर से तमाचा मारकर सही करेगा या नहीं यह हमें जरूर बताएं। और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, रणबीर प्राची की या फिर अभी प्रज्ञा की, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।